कार्यक्रम चल रहा है जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड जलूतर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं भैया आकाश मस्ताना जी मई खंदौली आगरा से पैर पर संगति कर रहे हैं बड़े भैया भरत शर्मा जनूधर से और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर सुनिएगा सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार वे गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी माँ शक्ति दूध राज से पधारी हुई झिकड़ी प्रेमी जनता संगीत के शौकीन श्रोतागण संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामी नमस्कार राम राम साहब आप जैसे विद्वानों ने लिखा और समय कम है आकाश कैसे कि वे युग में सबको जन्म दिया फिर बिरथा दोष लगायो है कि संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेन पानी तक ना प्यायो है और देखिए इस इंसान को चेतावनी दी और आकाश कहा कैसे क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह हमें क्योंकि ये इंसान जब गर्म में होता है उस परमात्मा से वायदा करता है कि मैं धरती पर जाऊंगा तो तेरा नाम रखूंगा भजन जपूंगा सुमरन करूंगा लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आया तो होता क्या है कहा कि काम क्रोध मद लोभ मोह हमें और तू फंस जाएगा कि काम क्रोध मद लोभ मोह हमें और तू फंस जाएगा अरे ओ बाबरे पीछे जरा दे भैया कहा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह हमें खुशी राम जी पड़ोला से दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और ये 51 रुपए का पुरस्कार पदम सिंह मास्टर जी दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 51 रुपए का पुरस्कार सुरेश मास्टर जी दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा और या काम क्रोध मद लोभ मोह हमें काम क्रोध मद लोभ मोह हमें तू फंस जाएगा और अरे ओ बाबू रे पीछे ओ और इंसान को चेता
और कहा क्या शुभ कर्मों की। और ये इक्यावन रुपए का पुरस्कार बहादुर सिंह जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो कहा शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, शुभ कर्मों की बंदे। कहा क्या अरे शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे इन्हें दे दो 50 रुपये। और ये 51 रुपए का पुरस्कार नेम सिंह भगत जी दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार सुरेश बोदार जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा और 51 रुपए का पुरस्कार समंदरी जी हमारे लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, और कहा शुभ कर्मों की बंदे। 51 रुपए का पुरस्कार भगत जी घुंटी जी दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा शुभ कर्मों की बंदे, और 51 रुपए का पुरस्कार भोला भैया गोदावली से दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शुभ कर्मों की बंदे, और 51 रुपए का पुरस्कार मनिंदर भैया जी दे रहे हैं हमारे लिए गोदावली वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, संग में जावे तेरे बुराई भलाई, और कहा क्या जैसा कर्म करेगा वैसा, पवन चाचा जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कर ही सो तस फल जाखा। अच्छा 51 रुपए का पुरस्कार प्रीतम सिंह जी दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जैसा कर्म, और 51 रुपए का पुरस्कार रामवीर डागुर गोदावली से दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा, ओ बाबरे पीछे बच पाएगा, ओ बाबरे। आप जैसे विद्वानों ने कहा है कि संगीत वो शक्ति है, संगीत वो शक्ति है, हर स्वर में बसे ही राग, रागी कर सुनाए राग नहीं तो रोगी को मिले आराम। ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, केवल कहने वाले के ढंगाने वाले की गायकी अलैदा अलैदा हुआ करती है। बात उस समय की है जिस समय पांचों पांडवों को वनवास दे दिया जाता है, पांचों पांडव मैया कुंती रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। आज पांचों पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल की तरफ चले गए, कुटिया पर रानी द्रौपदी अकेली रह जाती है। द्रौपदी जिस रास्ते पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ जाता है। आहा सज्जनों, जैसे ही पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी के रूप को देखा, सौंदर्य को देखा, पापी जयद्रथ अपने मन में विचार कर रहा है, कहा कि देखो रूप नारकन अपने, देखो रूप नारकन अपने जितो चमकत चंद उजारी है, अरे कह तो इंद्रपुरी त्याई के देवन की नारी है, कि आयो भूप पास वाला के, आयो भूप पास वाला के जाने ऐसी गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहां के
जैसे ही रानी द्रौपदी ने इतने वचनों को सुना, रानी द्रौपदी ने कहा कि मैं पांडवों की नारी हूँ। पापी जयद्रथ को पता लगा कि ये रानी द्रौपदी है। देखिए पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा है, भैया आकाश कैसे, दुख अपारे अरी बता दे जी, देने बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुंदर तेरो अंग चलियो, सुंदर तेरो अंग चलियो, संग भोगियो दादी, क्यों महलन में करियो मोजरी। और आकाश कैसे, और ये 51 रुपए का पुरस्कार सुगन सिंह जी दे रहे हमारे लिए, गोदावली के निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हेरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और 21 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी बहनी दे रही है, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे, और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए प्यारे, एक बाप के दो बेटा पर। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया प्रमोद गोदावली से दे रहे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे, कैसे, अरे एक भाई तो करे फैसला, क्या एक भाई तो करे फैसला, हेरे एक करे है चोरी, और एक पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी। और कहा अरे एक धागा गुदड़ी में लगता, क्या एक धागा गुदड़ी में लगता है, रे एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तलगी किले में पुत्र की मोरी। और कहा एक पत्थर शिव जी बंद में।